अस्सलाम वालेकुम। आज दिखाने वाले शिरखुरमे का मसाला कैसे बनाने का, वीडियो एंड तक देखिए। ये सब मसाले 100-100 ग्राम है। ये चारों लें, इसे ठंडा पानी डालकर भीगने रखने का, और नहीं रखने का तुम गर्म पानी डालकर भीगने रख सकते हैं 1-4 घंटे के लिए। ये बादाम है, ये अखरोट है, इसे भी ठंडा पानी डालकर भीगने रखने का। ये पिस्ते हैं, पिस्तों को भी पानी डालकर भीगने रखने का। मैं रात को भिगा रूँ सुबह को बनाने के लिए। इसे अच्छी तरह से पानी डालकर धोकर लेने का इन मसालों को। बादाम के छिलके निकाल कर लेने का, छिलके निकाल कर इसे पानी में डालकर धोकर सूखे कपड़े से पोंछ कर लेने का। बादाम को, अखरोट को, पिस्तों को इस तरह से सबके छिलके निकाल कर लेने का। पिस्ते के भी छिलके निकाल को लेने का। चारोले के भी छिलके निकाल कर इसे अच्छी तरह से पानी डालकर इसके पूरे छिलके निकाल कर फेंकने का, और इसे छन्नी में निकाल कर धूप में सुखाने का। तुम पंखे के नीचे भी सुखा सकती कपड़ा बिछा कर। ये अखरोट है, इस तरह से छिलके निकाल के लेंगे अखरोट के भी। पूरे मसालों के छिलके निकाल के लिए सही। ये काजू है, ये काजू के छोटे छोटे टुकड़े बना कर लेने का। बादाम को स्लाइसर से खीस को लेने का। ये अखरोट है, ये अखरोट को मैं बारीक बारीक दराते से काट कर लेने लगूँ। घी है यो, तुम डालडे में भी तल सकते हैं। एक खजूर है, खजूर के टुकड़े बना के लेने का छोटे छोटे, या इसे मिक्सर में डालकर इसके दरदरा पाउडर बना के लेने का। इलायची है यो, केसर, जायफल, कशकश, ये कच्चा खोबरा है, तुम खींच कर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब घी गर्म हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर
इसे ब्राउन हो तक तलने का, धीमी आंच पर तल को लेने का। ये मसाला 6 महीने तक टिकता है, कुछ खराब नहीं होता। पिस्ते को भी धीमी आंच पर ब्राउन कर को लेने का। चावले को भी कर को लेने का। काजू है यो, सब मसालों को इस तरह से धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा घी डालकर तल को लेने का। ये अखरोट है, इस तरह से तल को लेने से घी ज्यादा नहीं लगता। एक कशकश है, कशकश को भी भून को लेने का। ऐसा भून को लेने से कड़वस बनाने आते हैं मसाले में। और मसालों के कलर एकदम फ्रेश रहते हैं इस तरह से कट कर को तलने से भिगा कर। एक खजूर है, एक खजूर के टुकड़े बनाकर लेने का और इसका दरदरा पाउडर बना कर लेने का। और इसे भी थोड़ा घी डालकर भून को लेने का। और इलायची, जायफल है, एक जायफल है और एक तोला इलायची है। इसके छिलके निकाल को लेने का। तुम छिलकों के साथ भी पीस सकते हैं शक्कर डालकर। इसके अभी पाउडर बना को लेने का। ये चाय में डाल सकते हैं छिलके इलायची के। इस तरह पाउडर बना को लेने का। शेवियां हैं, और इसके इसे क्रश कर को लेने का। सेवियां को वो कड़े में घी थोड़ा डाल को लेने का और थोड़ा थोड़ा सेवियां डालकर इसे भून को लेने का, ब्राउन कर को लेने का। सेवियां को धीमी आंच पर भून को लेने का। सेवियां को इस तरह से भून को लेने का। सेवियों को केशर है, इस तरह से बनाओ शिरकुरमे का मसाला। सेवियां है, ये ड्राई फ्रूट है, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर, खजूर और केसर।